हेलो भाई लोग, क्या हाल है? ये देख रहे हैं स्प्लेंडर गाड़ी है, ये स्प्लेंडर गाड़ी से धुआं निकल रहा है, समझे? स्प्लेंडर गाड़ी से मेरा आज धुआं निकल रहा है। अभी गए थे भागलपुर, तो भागलपुर से 100 किलोमीटर है पूर्णिया से भाई भागलपुर है 100 किलोमीटर। ये स्प्लेंडर लेकर के ही हम चले गए थे, 100 किलोमीटर आना 100 किलोमीटर जाना। आज सुबह गए थे 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर हम इस गाड़ी से चले गए हैं आना और जाना। इंजन से धुआं निकल रहा है पूरा, समझ पा रहे हैं ना? इंजन से जो है ना धुआं निकल रहा है मेरा, क्या किया जाए। अभी भी जो है ना पूर्णिया यहाँ से 15 किलोमीटर और है, 15 किलोमीटर और जाना है। गाड़ी पूरा इंजन गर्म हो गया है, इसलिए सुस्ता रहे, थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं इसको। ठंडा हो जाएगा ना जब तब फिर निकलेंगे यहाँ से, तब ठीक रहेगा। ये हाईवे पे है यार, देख रहे हैं पूरा गाड़ी उड़ी जा रहा है, आ रहा है पूरा खतरनाक, पूरा एकदम पूरा जा रहा है भाई। गाड़ में फोका दे दिया मेरा, गाड़ में छला हो गया लगता है ऐसा, इतना गाड़ी इतना देर चला है ना। आना जाना दोनों हो गया ना, 200 किलोमीटर गाड़ी हो गया अप डाउन, लग रहा क्या गाड़ी में छाला हो गया ऐसा। गाड़ी पर सीट पर बैठते हैं ना लगता है कि धुआं निकल रहा है, गाड़ से भी धुआं निकल रहा है। इंजन से तो निकल रहा है गाड़ी का, गाड़ों से धुआं निकल रहा है, समझ रहे हैं? पूरा खतरनाक लग रहा है, देख सकते हैं। इंजन अब पहुँचेंगे, जल्दी से पहुँचेंगे यहाँ से। माथा दर्द हो गया, शाम भी हो गया, टाइम हो गया 5:30 6 बजने को है। देख रहे सूरज भी ढलने को, दिखा रहे हैं सूरज भी ढल रहा है, देख रहे हैं सूरज ढल रहा है, सूरज भी ढलने को है, पहुंचना भी है पूर्णिया जल्दी से। भाई स्प्लेंडर में दम तो है, मानना पड़ेगा ये बात को, पूरा छोटा गाड़ी है, देखने में लग रहा है नट्टा छुटकू सा, लेकिन दम तो है, पूरा खींचा है पूरा ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। इस तरह बैठने में उतना ठीक नहीं बनता है, लेकिन दम है, पावर है भाई गाड़ी में। 200 किलोमीटर चल गया कंटिन्यू, क्या समझते हैं आप?